हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लेक्चर नंबर 1 आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको सारे जो हमारे टॉपिक्स थे वो सब समझ में आए होंगे। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड जो हमारा लेक्चर है उसको। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड और बेस को सेपरेटली देखा था और एसिड के क्लासिफिकेशन को समझा था। इस लेक्चर में हम बेस को समझेंगे और बेस के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। एक थर्ड लेक्चर और आएगा इसी चैप्टर का, जिसमें हम सेपरेटली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की पढ़ेंगे और इंडिकेटर एंड पीएच क्या होता है, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू क्या होती है इसको समझेंगे। तो वो हमारा सेपरेट जो 3 टॉपिक जो इसमें कवर होंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली आज हम सॉल्ट जो अपना बेस है उसकी बात करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो 3 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। 3 वीडियो रखने का एक मेरा खुद का एक रीजन ये है कि हम इसको सेपरेटली अलग अलग अच्छे से पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक साथ में अगर मैं बनाती वीडियो तो थोड़ा सा हो जाता आप लोगों के लिए लेंदी, तो लेंदी नहीं आपकी ये 30, 35, 45 मिनट्स तक की वीडियोस जो है 3 पार्ट में रहेंगी। इनको कवर करोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, पूरा आपको समझ में आ जाएगा एकदम से पक्का पक्का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 910, इसको ज्वाइन करो। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हैं जिस भी लेक्चर के, जो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वहां से पिक कर सकते हो पीडीएफ नोट्स। उसके डाउट अगर आ रहे हैं डाउट कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर मैं कमेंट में कर सकती हूँ रिप्लाई तो मैं कमेंट में जरूर करूंगी। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा होगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर पे कुछ ऐसा एक टॉपिक की पूरी वीडियो चाहिए है, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना, और हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अरेनियस ने बेस के लिए क्या बोला था। क्या बोला था, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि अरेनियस ने बताया कि किसी भी वाटर के सोल्यूशन में अगर आप ओ एच आयंस को ठीक है, ओ एच आयंस मतलब हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ओ एच नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। किसी भी वाटर के सोल्यूशन में जब हम किसी सपोज आपने कोई सब्सटेंस लिया और उसको वाटर सोल्यूशन में डिजोल्व किया, और वाटर के सोल्यूशन में डिजोल्व होने पर अगर उसने ओ एच नेगेटिव आयन दिए तो वो क्या है, वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये हमने कल भी समझा था, हम आज फिर से समझेंगे इसको सही से। तो NaOH, NaOH ने क्या किया, अगर इसको वाटर यानी कि एक्वा सोल्यूशन में जब हम डालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इवन ये खुद ही स्वयं से ही मतलब अपने आप ही क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जब ये OH नेगेटिव आयन देगा तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये होगा हमारा बेस। तो NaOH, KOH, MgOH का होल, तो इसी सारे क्या है, ये आपके हैं बेस। अब बेस भी क्लासिफाइड होते हैं, क्लासिफिकेशन इनका भी है, तो हमें इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसी तरीके से आप बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेस के क्लासिफिकेशन को देखने से पहले सबसे पहले तुम एक डेफिनेशन, एक छोटा सा टर्म आता है एल्कलीज क्या है, तो एल्कलीज को समझ लो। एल्कलीज क्या है कि वो बेस जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। मीन्स कि जो OH नेगेटिव आयंस है, ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन और अपने प्लस और नेगेटिव वाले आयंस में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाए कंप्लीटली, तो वो हमारा क्या है, बेस है। लेकिन उसमें जो नेगेटिव आयन होना चाहिए वो हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो एल्कलीज यार देखो वो होते हैं, वो बेस एल्कलीज होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। तो जितने भी आपके बेस होते हैं वो सब क्या होंगे, वाटर में अगर डिजोल्व हो रहे हैं तो वो सब एल्कलीज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल KOH एल्कली है, NaOH, CUH का होल्ड, ये सारे ही एल्कलीज है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की बात करते हैं। बेस का क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेस की स्ट्रेंथ जो आपकी बेस की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि बेस को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 2 पार्ट्स हैं, एक तो आता है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज या स्ट्रॉन्ग बेस, एक आता है वीक एल्कलीज या वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वो होते हैं जो आपके वाटर के सोल्यूशन में या एक्वा सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। अगर वो कंप्लीट आयनाइज हो रहे हैं तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है,
दूसरा अच्छा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका वही हो जाएगा, आपका NaOH ले सकते हो, ठीक है, KOH ले सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर के सोल्यूशन में, ठीक है। तो NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया, और आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो NaOH जब एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो Na पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। ऐसे ही KOH K पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव देगा, कंप्लीटली कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, ठीक है, यानी कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया इसका। उसके बाद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को देखिए तो Ba पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, दो हाइड्रोक्सिल आयन दिए, ये भी कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आती है वीक एल्कलीज या वीक बेसिस। ये कौन से होते हैं, सिंपल सी बात है, जो पार्शियल आयनाइज हो, थोड़े बहुत तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ना हो, लेकिन पूरी तरीके से ना हो पाए, ऐसे जो बेस होते हैं पूरी तरीके से ना हो पाए, ऐसे जो बेस होते हैं, ऐसे कौन से बेस होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 12, ये कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं, ये कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं आयनाइज। कहने का मतलब ये है कि अगर हम CaOH का होल ट्वाइस के सपोज 100 मॉलिक्यूल, 100 100 जो है मॉलिक्यूल्स ले लें, और 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 50 से 60 ही जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो आयनाइज हो पाए, बाकी ना हो पाए, तो ऐसे हम बेस को कहते हैं वीक बेसिस या वीक एल्कलीज, क्योंकि ये कंप्लीटली तो आयनाइज हो नहीं पाए। हमने यहाँ पे 100 लिए, 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 50 ही हो पाए, या सपोज या 40 हो पाए, तो ऐसे में क्या हुआ, कंप्लीट तो हुआ नहीं, पार्शियल हुआ, पार्शियल आयनाइजेशन हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं CaOH के होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, वीक एल्कलीज या बेस। और यही रीजन है, देखो भैया यही रीजन है बच्चा, फैक्ट ये है कि तुम कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखोगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, व्हाइट कलर का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूना, तो इसका ना प्रिसिपिटेट बनता है, PPT, आगे पढ़ोगे भी PPT, प्रिसिपिटेट, क्योंकि ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता है। दैट मीन कि अगर आप 100 मोल मॉलिक्यूल्स लेते हो MgOH के होल ट्वाइस के, तो ये इसमें से लगभग 40 से 50 से 60 जो भी हो, ये कोई सर्टन मैं तुम्हें अमाउंट नहीं बता रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि 100 में से 50 60 ही हो पाए, बाकी नहीं हो पाए, या 70 80 ही हो पाए, बाकी नहीं हो पाए। तो ऐसी कंडीशन में हम कह देते हैं कि भाई ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाया, इसलिए ये है एक वीक एल्कली, ठीक है, या वीक बेस। क्या दोनों बातें समझ पाए आप? अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं, बिल्कुल एसिड की तरह देखो क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ को तो बताती नहीं है, ये तो हमने नोट कल पढ़ा था अलग से, क्योंकि MCQs में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं कि क्या कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्ट्रेंथ को बताती है एसिड या बेस की, तो नहीं, स्ट्रेंथ को तो नहीं बताती, लेकिन हाँ कॉन्सेंट्रेशन बताती है कि किसी भी सब्सटेंस में वॉटर का कितना, किसी भी बेस में वॉटर का कितना अमाउंट है, अब चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसमें वॉटर का कितना अमाउंट है, या एसिड या बेस का कितना अमाउंट है एज कम्पेयर टू दी वॉटर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या होता है या कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली क्या होता है, इसको समझो। फर्स्ट द बेसिस और एल्कलीज विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर, अगर इस वॉटर का अमाउंट जो है बहुत कम हो, बहुत बहुत ही कम हो, तो ऐसे में जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है वो, ऐसे में जो हमारा बेस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। वॉटर का अमाउंट कम हो, वॉटर का अमाउंट कम हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बेस जिसमें वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, ऐसे बेसिस को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये तुम्हें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आगे जब तुम रिएक्शन देखोगे, इसी ही चैप्टर में रिएक्शन देखोगे, तो तुम वहां पर देखोगे कि कुछ एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड लिए गए, कुछ डाइल्यूट लिए गए, कुछ बेस कॉन्सेंट्रेटेड लिए गए, कुछ डाइल्यूट लिए गए। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस जो होते हैं, ये रिएक्शन पे बहुत फर्क डालते हैं, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट है वो भी तो प्रेजेंट है ना उसमें, कम या ज्यादा के हिसाब से वो रिएक्शन अलग अलग टाइप के देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। जब हम
एसिड पढ़ रहे थे तब हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, कि उसमें कितनी उसकी बेसिसिटी है ना। ऐसे ही अब हम जब बेस पढ़ रहे हैं तो हम उसमें फाइंड करेंगे कि एसिडिटी कितनी होती है, और उसके आधार पे उसके ही बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे बेस को। तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हम एसिड की बात करते थे कि कितने हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है एक एसिड में, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना ही ज्यादा वो कैसा होगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रांगनेस ज्यादा होगी, तो स्ट्रांग एसिड हुआ करता था। ऐसे ही बेस भी बिल्कुल सेम है कि एसिडिटी अगर आपको पता करनी है, एसिडिटी ऑफ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आपके प्रोड्यूस्ड पर मोल, जैसे एक मोल से आपके कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है बन रहे हैं, पर मोल आपके कितने, पर मॉलिक्यूल आपके कितने बेस के, ऐसे कह सकते हैं आयन्स बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको कंप्लीट, इसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड विद विच अ मॉलिक्यूल दैट अल्कली और बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एसिडिटी ऑफ एन अल्कली और बेस। इसका मतलब ये है, शुरू से देखते हैं एक बार फिर से, कि एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल लिया बेस का और वो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिफाइन कर देती है उसकी एसिडिटी को, ठीक है। और कितना वो डिसॉल्व हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है, क्या उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जा रहा है वाटर में, ये भी डिफाइन करता है एसिडिटी को, ठीक है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली बेस या कह सकते हैं रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सॉल्ट और साल्ट प्रोड्यूस कर रहा है एंड वाटर इज नोन एज सॉल्ट एंड वाटर जो प्रोड्यूस करेगा उसी को हम कहते हैं एसिडिटी या एल्कली या बेस, ठीक है। एसिडिटी ऑफ दैट अल्कली या उसकी बेस की एसिडिटी कितनी होगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो एसिड के होंगे उसमें प्रेजेंट, ठीक है, और वो रिएक्ट कर जाए बेस के आयन से और बनाए सॉल्ट और वाटर को, तब वो बताता है कि वो कितना ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, ओके। तो आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। अब इसके बेसिस पे जो आपने अभी पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वो डिसोसिएट करता है वाटर में, उसके बेसिस पे इसको तीन टाइप में बांट दिया गया। एक तो मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस का मतलब है कि जब कोई अल्कली या जब कोई बेस, दोनों एक ही है, कंप्लीट आयनाइजेशन कर दे और प्रोड्यूस करे एक हाइड्रोक्सिल आयन को वाटर के सोल्यूशन में, तो ऐसे बेस को हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। जैसे हम लोगों ने NaOH पढ़ा था, NaOH में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव था, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया वाटर में। अब वाटर में उसने एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया, अब एक हाइड्रोक्सिल आयन ये डिफाइन करता है कि जो बेस है हमारा मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्सिल आयन क्या बताता है कि कोई बेस हमारा मोनो एसिडिक बेस है या मोनो एसिडिक एल्कली है। ऐसे ही KOH, KOH भी क्या है, एक हमारा मोनो एसिडिक एल्कली है, क्या आप समझ पाए, ठीक है। डाई एसिडिक बेसिस क्या होते हैं या डाई एसिडिक एल्कलीज क्या होते हैं, तो ये ऐसे बेस होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइजेशन करने पर दो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कंप्लीटली आयनाइजेशन करने पर दो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ऐसे ऐसे बेसिस को हम कहते हैं डाई एसिडिक बेसिस या डाई एसिडिक एल्कलीज। तो डाई एसिडिक एल्कलीज का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि जब ये वॉटर में डिसोसिएट, जब ये वॉटर में आयनाइज होकर के स्प्लिट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वॉटर के साथ में CaOH का होल ट्वाइस जब हम वॉटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो ये दो आयन्स दे देगा, एक तो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस का, प्लस 2OH नेगेटिव, दो हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा, और ये दो हाइड्रोक्सिल आयन ही बताते हैं कि ये डाई एसिडिक इन नेचर है, डाई एसिडिक बेस है, ठीक है। आगे बात करते हैं MgOH के होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस भी क्या होता है, ये कंप्लीटली आयनाइज करने पर, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि MgOH का होल ट्वाइस जो है
कंप्लीटली नहीं पार्शली आयनाइज हो पाता है. तो आप लोग ये समझ रहे हो अब यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज क्यों लिखा हुआ है. कंप्लीटली आयनाइज का मतलब है कि उसके नंबर उसकी हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है. तो ये अपने हिसाब से तो कंप्लीट आयनाइजेशन कर रहा है ना, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितने प्रोड्यूस कर रहा है, दो. तो ये यहाँ पर जो है MgOH का होल्ड है, तो CaOH का होल्ड है, इसकी कैपेबिलिटी ही दो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करने की है, यही इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर MgOH का होल टॉइस जो है Mg2 पॉजिटिव देगा, 2OH नेगेटिव देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई एसिडिक बेसिस. MCQs में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाई एसिडिक बेसिस या विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनो एसिडिक बेसिस, और ऐसे ही ट्राई के लिए भी पूछा जाता है. तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है तो आप अच्छे से लिख सकते हो. ऐसे ही फेरस हाइड्रोक्साइड का देखो, फेरस हाइड्रोक्साइड भी क्या है, डाई एसिडिक बेस है, क्योंकि ये भी दो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वाटर के सोल्यूशन में. ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड FeOH का होल ट्वाइस क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में बढ़ जाता है, यानी कि डिसोसिएट हो जाता है. कॉपर हाइड्रोक्साइड भी सेम इसी तरीके से CuOH का होल ट्वाइस जो है वो भी इसी तरीके से देता है, CuOH का होल ट्वाइस. ये भी क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस OH2 2OH नेगेटिव ये देता है दो हाइड्रोक्सिल आयन. अब अगर फेरस हाइड्रोक्साइड जो Fe2 पॉजिटिव OH2 नेगेटिव था उसकी हम रिएक्शन करवा दें एसिड से, यानी कि ये एक बेस था इसकी हमने रिएक्शन करा दी एसिड से, ठीक है, तो ये हमें देता है सॉल्ट, हमने पीछे पढ़ा भी था. ओके, अब ऐसी रिएक्शन यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आता है ये, इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, सिंपल सा है, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं. यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वॉटर. दिस रिएक्शन पूरा मैंने लिख दिया है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक तो यही ले सकते हैं हम, एक और ले सकते हैं NaOH का, NaOH का कुछ भी नहीं, NaOH और HCl, HCl से इसकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O. भाई NaOH में यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और NaOH में जो सी क्लोराइड है, क्लोरीन आयन है, वो यहां पर अटैक करेगा और OH जो है यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाएगा, तो H2O बना लेगा. और ये NaCl क्या है, ये सॉल्ट है जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड. तो ये तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने कहा से डाई एसिडिक बेस में एक रिएक्शन आई उससे हमने हमने जो है ये टॉपिक भी कवर कर लिया. तो डाई एसिडिक बेस भी देख लिए, अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेसिस की. ट्राई एसिडिक बेस कौन से होते हैं, जैसे AlOH का होल थ्राइस. AlOH का होल थ्राइस क्या करता है, वाटर के सोल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव देता है और 3OH नेगेटिव आयंस देता है. तो ऐसे बेस या ऐसे अल्कली जो कंप्लीट आयनाइजेशन की प्रोसेस करके प्रोड्यूस करते हैं 3 हाइड्रोक्सिल आयन, उनको कहते हैं हम ट्राई एसिडिक बेसिस. तो ये क्या हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव. ठीक है, अब ये भी अगर ये जो है हमारा एक बेस एसिड से, यानी कि डाइल्यूट, डाइल्यूट तो नहीं है, एक्वस है, तो डाइल्यूट हो जाएगा. देखो यहाँ पर एक्वस है तो डाइल्यूट हो जाएगा, वैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड भी ले सकते थे, एसिड होना चाहिए. तो हमने यहाँ पे हाइड्रो HCl लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड लिया और यहाँ पर हमने बना दिया AlCl3, जैसे NaCl बनाया था वैसे. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक पार्ट हो गया, यहाँ पर दिखाया गया है. बाकी समझना क्या है हमें, ये तो हम समझ ही चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. समझना ये है
कि एल ओ एच के होल थ्राइज ने क्या किया, एससीएल से रिएक्शन करके एल थ्री पॉजिटिव और थ्री ओ एच नेगेटिव दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्राई एसिडिक बेस तो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी रहा है। ये क्वेश्चन पिछले साल आपका, पिछले साल नहीं, 2017 में इसका एक क्वेश्चन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला आया था, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। अभी आपको यही क्वेश्चन लगाना है जब हम लेक्चर थ्री पढ़ेंगे, तो लेक्चर थ्री में हमारे पास में और ज्यादा चीजें हम पढ़ चुके होंगे, तो उस पे हम और सारी चीजों को लगा रहे होंगे। पीएच वैल्यूज निकालना, पीएच वैल्यूज काउंट करना कैसे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने पीछे एससीएल वाला अभी पीछे ही बिल्कुल पढ़कर रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था, ये कैसे अगर वाटर के साथ में डिसोसिएट करे, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सॉल्यूशन। तो HCl है, ठीक है, कुछ आप करोगे कुछ मैं बताऊंगी। HCl जब आयन में ब्रेक होगा तो कैसे होगा, हम पढ़ चुके हैं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे तो होगा। और ये कैसा होगा, एक्वस होगा, तो चाहो तो ऐसे लिख दो। और इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, और H3O पॉजिटिव। ठीक है, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा दिया है नाइट्रिक एसिड, HNO3, HNO3। देखो मैं दो बताऊंगी, बाकी के आप लगा करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप आंसर करेंगे, मैं वेट करूंगी आपका। तो ये एच पॉजिटिव और एनओ थ्री नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। बाकी आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड कैसे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा। देखो ये सारे ही हम लगा चुके हैं, तो ये हो गया आपका होमवर्क आज का, और इसको जरा मुझे लगा करके दिखाना, तो देखते हैं तुम लोगों ने कितना समझा। लेक्चर थ्री में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को खत्म करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो डोंट वरी। अभी चलते हैं अगले सेक्शन में, अगले जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें क्या पढ़ना है ये भी आपको पता चल गया है, तो इसको पहले रिवाइज करके रखना, जिससे कि जब हम अपने अगले लेक्चर पे आए, अगला लेक्चर जब कर रहे हो, तो आपका ये सारा तैयार हो। एसिड क्या है, बेस क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, कौन सा ट्राई एसिडिक है, कौन सा ट्राई एसिडिक बेस है, कौन सा ट्राई बेसिक एसिड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो इसे और चैनल को सब्सक्राइब करो। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।